जो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनने से पहले वादा किया था, युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, बिजली की दर कम कर देंगे, पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलेगा और रुपया और डॉलर बराबर हो जाएगा, हिंदुस्तान पेरिस के समांतर होगा, तो उसी सब को लेके आज युवाओं में बहुत निराशा है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश, जो कि देश की सबसे बड़ी आबादी है, 22 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, आज अधिकतर युवा बेरोजगार है और पढ़ लिख कर डिग्री पा कर कर भी वो बेकार है। आज सरकार कहती है पकोड़े तलो, तो इसी को लेकर हमारा धरना है कि हम क्या करें, या तो हमें रोजगार दो, नौकरी दो, या फिर गद्दी छोड़ दो, ये हमारा कहना। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले जो हुआ और उसके बाद जो सरकार लगातार हर मुद्दे पे फेल होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप लखनऊ विश्वविद्यालय में? देखिए, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, ये सरकार हर किसान हो, हर मुद्दे पे फेल है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है ही नहीं, ऑटो पायलट पे यूपी चल रहा है। अभी तक भी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। पिछली सरकार के कामों को वो उद्घाटन करके जरूर अपनी पीठ थपथपाते हैं। जो अभी प्रधानमंत्री ने सैमसंग फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया, वो भी 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ज़माने में शुरू हुई थी। ये सिर्फ दूसरे के कामों का श्रेय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल है। लोकदल पार्टी क्या कर रही है इस पर, क्या आगे कार्रवाई करने की क्या? लोकदल पार्टी किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों की हर समस्या के लिए सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ेगी। 13 जुलाई से 12 अगस्त तक पोल खोल धावा बोल, बिजली की बड़ी वृद्धि को लेकर पूरे प्रदेश में 1 महीने का आंदोलन, जन जागरण चलेगा और फिर 13 अगस्त को हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ आज जो हमने मांग रखी है, अगर इस पर सरकार नई संज्ञान लेगी तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज जीपीओ पार्क पर राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन सरकार की नाकामियों की तरफ की के लिए किया गया। तमाम तरह के जो सरकार में नाकामियां चल रही हैं, सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही, तमाम बेरोजगारी की समस्याओं पर जमकर नारेबाजी हुई। कैमरामैन शाहिद रिजवी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।